गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मसाला एंड पानी पूरी का पानी। तो आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए। बहुत इजी रेसिपी है। मार्केट जैसा मसाला और पानी हम अब घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो प्लीज़ आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और इन्जॉय करिए। पानी पूरी की पानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 मिर्ची ली है, उसको 2 हिस्सों में काट लिया है, अदरक लिया है, धनिया पत्ती 1/2 कप और 1 कप पुदीना पत्ता। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया है। ये पुदीना का पत्ता इसमें डाल दिया, धनिया पत्ती डाल दी, मिर्ची, अदरक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस 1 चम्मच छोटा, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। अब ग्राइंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा पानी पूरी का ये चटनी बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने निकाल ली है। अब हमें और 1 ग्लास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक, ये नुक्ती। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी आप आपके हिसाब से भी मिला सकते हैं। देखिए पानी रेडी है। ये देखिए आपने ऊपर से हमें नुक्ती ऐड कर दिया है। नुक्ती ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो। और आप लोग भी ट्राई करिए, बनाइए और इसे गोलगप्पे के साथ खाइए। मुझे तो ये पानी देख करके मुंह में पानी आ गया। आप लोगों को भी आ गया होगा आई होप। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। के मसाले बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 उबले हुए आलू, 1 बड़ा प्याज जिसको कि बारीक काट लिया है, यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, यहाँ पे मिर्ची, काला नमक, नमक और हींग, यहाँ पे मैंने देसी चने लिए हैं, इन्हें 4 घंटे भिगो करके रख दिए थे, उसके बाद आलू के साथ उबाल लिए हैं। अब हम चलते हैं आलू मसाला बनाने के लिए। ये 4 आलू इसमें मैं ले लूँगी और इन्हें हम ऐसे मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये हमारे चने, फिर इसमें ये 4 मसाले, लाल मिर्च, हींग, काला नमक और नमक और चाट मसाला। लास्ट में हम ये मिलाएंगे प्याज। अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये हमारा मसाला बन करके तैयार है। देखिए आप लोग, और आप लोग भी बनाइए। बहुत इजी रेसिपी है। अब हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी घर में ट्राई करिए, बनाइए और मुझे बताइए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैं गोलगप्पे की रेसिपी आप लोगों को बताऊं, जिससे कि आप लोगों को और इजी हो जाए। देखिए ये हमारा पानी एंड मसाला दोनों को आप लोगों ने देख लिया है। अब आप लोग भी ट्राई करिए, बनाइए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए।